By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2, जॉर्ज पंचम की नाक। नाक, वो भी जॉर्ज पंचम की, इसके बारे में एक चैप्टर ही बना दिया है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ द्वितीय से। तो वो जब भारत के दौरे पर आ रही थी इंग्लैंड से, तब क्या हुआ कि सब जगह खबरें फैलना शुरू हो गई कि शाही दौरा हो रहा है। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। अखबारों के अंदर रोज शाही दौरे की तैयारी के बारे में खूब जमकर खबरें आने लगी। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल यात्रा के दौरान रानी किस तरीके की वेशभूषा पहनेंगी, इसको लेकर परेशान हो गया। उसने ये सोचा कि रानी के लिए ऐसी ड्रेस बनानी पड़ेगी जिसके अंदर रानी अलग से ही लगें और लगे कि हाँ भाई महारानी हैं, बहुत अच्छी लगें, और वो ड्रेस ज़्यादा अजीब भी ना लगे देखने में। तो वो इसी दुविधा के अंदर पड़ा रहा और उसने क्या करा, रानी के लिए अलग अलग ड्रेस बनाना शुरू कर दी। जो अखबार थे, अखबारों के अंदर रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री व प्रिंस फिलिप के कारनामों के बारे में भी बताया गया। उनके नौकर, बावर्ची, खानसामे, अंगरक्षकों के जीवनों के बारे में भी बताया गया और साथ में उनकी तस्वीरें भी छापी गई। यहाँ तक कि शाही महल में जो कुत्ते रहा करते थे उनकी भी फ़ोटो डाल दी थी। मतलब न्यूज़ में बस यही बातें चल रही थी। इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर खूब शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था मगर इसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही थी। भारत में शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही थीं। सड़कों को साफ कर दिया गया था, साथ में इमारतों को रंग वंग करके बहुत सुंदर बना दिया गया था। शाही मेहमानों को खुश करने के लिए सारी तैयारियां चरम सीमा पर थीं। बस एक ही कमी रह गई थी जिससे शाही मेहमानों के नाराज होने का डर था, तो वो कमी थी जॉर्ज पंचम की नाक। मतलब जो जॉर्ज पंचम थे उनकी नाक गायब हो रखी थी, उनकी मूर्ति से, स्टैचू से, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो जो उनकी नाक थी अब उसको वापस जोड़ा जाए, नहीं तो अगर महारानी आएंगी तो उन्हें उनकी कटी हुई नाक देख के, टूटी हुई नाक देख के बुरा लगेगा। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने के पीछे लंबी दास्तान थी, मतलब बहुत लंबी कहानी थी। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े तहलके, बड़ी बड़ी आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किया, चंदा जमा किया गया और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। अखबारों के पन्नों में बहुत सारी खबरें छपने लगी जॉर्ज पंचम की नाक को लेके। खूब गर्मा गर्मी बहस हुई, लेकिन इस बात पर सब लोग आकर पहुँचे कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। तो ये पहले की बात हो रही है कि कितनी बहस हुई थी इस बात के लिए। ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैयार किए गए। चारों तरफ हथियारबंद पहरेदार लगा दिए गए थे इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लॉट की नाक एक गायब हो गई। तो फाइनली क्या होता है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उसको संभाल के रखने के लिए बहुत दौरे करे गए, बहुत चीज़ें करी गईं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो नाक गायब हो ही गई। रानी आए और नाक ना हो, इस बात से सब लोग परेशान हो गए। खैर, देश के जितने भी लोग थे वो सब इसी चीज़ के अंदर सोचने लगे और कुछ लोग तो हंसी भी उड़ाने लगे, कुछ लोग मजाकिया वे में भी लेने लगे कि क्या होगा अगर रानी आई और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगी। सरकार एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाती है और इस मामले को उनके सामने रखा कि ये देखो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, कुछ करा जाए। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी। ये बोलेंगे कि ये देश कैसा है जो हमारी बेइज्जती कर रहा है, यहाँ पर इन देश के लोगों को, भारत देश के लोगों को ये भी नहीं पता कि जॉर्ज पंचम की नाक कितनी इम्पोर्टेंट है,
हमारे यहाँ के पर्सन की नाक कटी हुई है और ये हमें ये दिखा रहे हैं, मतलब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से महारानी ना सोचें। इसी बात पर सब लोग ये सोचने लगे कि किसी भी तरीके से इस मामले को सुलटाया जाए। तो बहुत सारे घोर अभ्यन के बाद, सोचने के बाद, बहसबाजी के बाद फाइनली मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार कौन होते हैं? जो मूर्तियाँ बनाते हैं। तो मूर्तिकार वैसे तो बहुत उमदा कलाकार था, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन उस स्वभाव से वो लालची था, उसे पैसे का बहुत लालच था। उसने मूर्ति को देखा और कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि नाक कब और कहाँ बनी थी, इस लॉट के लिए पत्थर कहाँ से आया था। तो वो ये बोलता है कि ये जो मूर्ति है, नाक तो मैं बना दूंगा, लेकिन कब लगी थी नाक और कहाँ से आया था इसके लिए पत्थर, वहीं से तो मैं पत्थर लूँगा, तभी तो इसकी नाक भी मिलती जुलती लगेगी मूर्ति की, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चेहरा और किसी पत्थर का बना हुआ है और नाक किसी और पत्थर की बनी हुई है। तो अब क्या होता है, फिर दोबारा से जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जितनी भी यहाँ पर मीटिंग वगैरह बैठी थी, सब लोग क्या करते हैं, फटाफट जांचबीन में लग जाते हैं। खोजबीन होती है, बहुत खोजबीन होती है, लेकिन फाइनली नहीं पता चलता कि आखिर वो पत्थर कहाँ से आया था। लेकिन जो मूर्तिकार था वो ये बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ये मामला खुद ही हल कर दूंगा, मैं हिंदुस्तान की हर पहाड़ी में जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा। मूर्तिकार की बात सुनकर जितने भी हुक्मरान थे, मतलब जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे, उनकी जान के अंदर जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। उसने अलग अलग पत्थर देखे, अलग अलग सिटीज़ के अंदर गया कि कहीं तो शायद ये पत्थर मिल जाए, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं से इस किस्म का पत्थर नहीं मिला जिस किस्म की मूर्ति बनी हुई थी। अब उसने लॉट पर लगे पत्थर के विदेशी बताकर, उसने बोला कि ये जो लॉट पर पत्थर लगाना है, ये जो लगाया है पत्थर वगैरह इस मूर्ति पर, ये विदेशी है, ये बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बोला अब मैं क्या करूँ, अब तो ये विदेशी पत्थर है, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। कमेटी के लोग थे, मतलब कि जितने भी लोग शामिल थे यही जॉर्ज पंचम की नाक ढूंढने में, बनवाने में, वो सब बहुत परेशान हो गए। अब जितने भी ऑफिसर्स थे वो बोलते हैं अब क्या करा जाए। तो फिर दोबारा से मूर्तिकार ने एक आईडी दिया, उसने बोला कि देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो भी तो लगभग इसी पत्थर से बनी होंगी और इसी समय पर बनी होंगी, क्यों ना मैं उनको ढूँढूँ और वहाँ से किसी की नाक निकाल के जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूं। तो थोड़ा सोचने के बाद जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जितने भी कमेटी के अंदर लोग थे, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा ही करो भाई, जल्दी से जल्दी इसकी नाक लगा दो। तो उसने फटाफट घूमना शुरू करा मूर्तिकार ने अलग अलग जगह। उसने दादा भाई नीरोज जी, गोखले, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल और बहुत सारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब की क्या करा, मूर्तियां देखी, लेकिन किसी की भी मूर्ति ने मेल नहीं खाया। उसके बाद उसने सन 1942 में बिहार के पास में ही शहीद बच्चों की मूर्तियां बनी हुई थी, उनकी भी नाक का नाप लिया, तो वो भी मेल नहीं खाई मूर्ति से। तो अब वो वापस निराश होकर राजधानी में वापस आ गया। अब शाही दौरे की अच्छी खासी तैयारियां चल रही थी राजधानी के अंदर, जॉर्ज पंचम की नाक अभी भी वैसी की वैसी थी, उसके पूरी बॉडी के ऊपर, मतलब जो उसकी पूरी वो थी मूर्ति थी उसके ऊपर पेंट कर दिया गया था, उसको चकमक कर दिया गया था, बिल्कुल चमका दिया गया था, लेकिन अभी भी नाक नहीं थी मूर्ति पे। सभी लोग इसी बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और अजीब सा सुझाव दिया, उसने कहा कि ये बताओ इस देश के अंदर कितने सारे लोग हैं, क्योंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ लोगों में से किसी एक जिंदा नाक को काट कर लगा दिया जाए। तो ऐसा ही होता है, नाक लगा दी जाती है जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर। नाक लगाने के बाद वो जो मूर्ति थी पहले जैसी दोबारा दिखने लग जाएगी, लेकिन किसी जिंदा इंसान की नाक लगाना भी तो गलत बात है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा सुनवाई करी गई, लोगों ने सोचा समझा, बड़े बड़े अफसरों ने, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नाक लगाना बहुत आवश्यक है, तो कैसे भी करके नाक लगाई दी जाए। तो नाक को लाया गया, फिर लगाया गया और मूर्तिकार ने नाक बहुत अच्छे से लगा दी। अब फिर दोबारा से उस
उस मूर्ति के लिए और उस मूर्ति के आसपास उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ हथियारबंद पहरेदारों को लगा दिया गया, क्योंकि अब कहीं दोबारा से ना उसकी नाक टूट जाए। तो यहाँ पर नाक तो लगा दी गई थी और मूर्ति भी अब बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लॉट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सब अखबारों ने बस इतनी ही खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो किसी पत्थर की नहीं है। तो जो नाक लगाई गई थी जॉर्ज पंचम के, वो एक जिंदा नाक थी, किसी भी पत्थर की बनी हुई नहीं है। ये न्यूज़ तो मतलब आपको पता ही है कि एक ही न्यूज़ सारे न्यूज़पेपरों में आने लगी। ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था उन्होंने, इसके अलावा अखबारों ने कुछ ज़्यादा छापा नहीं था। और यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थोड़ा सा फनी सी स्टोरी थी कि वो पहले कहाँ कहाँ घूमता है और फाइनली जिंदा नाक उसके लगानी पड़ती है जो कि पत्थरों की बनी हुई नहीं थी। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा पत्थरकार था, मतलब जो पत्थर से नक्काशी करा करता था, क्या आप बता सकते हैं उसका सबसे पहला सुझाव क्या था और उसकी सबसे पहली मांग क्या थी स्टोरी के अंदर, आपने अभी ध्यान से सुनी हो तो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।